तो जवान हो गए अब हम, जवान। हमारी मैम बोलती है जवान सावधान। सूरज उग रहा होता है और पक्षी उड़ रहे होते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठने के फायदे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मधुबनिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने, थानेदारनी आ चुकी है भाई छुट्टी पे, लेकिन अभी तक आई नहीं है, मतलब आने वाले हैं शाम तक। तो मैंने सोचा चलो इंट्रो स्टार्ट कर लेते, क्योंकि उनके आने के बाद तो फिर भाई उनके साथ बातें करने लग जाएंगे, तो इंट्रो करना तो भूल ही जाऊंगी मैं। और वैसे तो आज मैं मॉर्निंग में ही करने वाली थी इंट्रो स्टार्ट, क्योंकि आज 25 तारीख है, तो मोस्टली हरियाणा में सरपंच जी के चुनाव हो रहे हैं, हमारे गांव में भी हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली थी, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो नहीं दिखा पाई। और मॉर्निंग में भी 6 बजे चले गए थे और अभी 3 बजे हुए हैं दोपहर के, अब आए हैं। और वो भी हम भाई बहन आए हैं, मम्मी पापा तो वहीं पर हैं। फिर मैंने सोचा चलो इंट्रो स्टार्ट कर लेते हैं, व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि पहले वाला व्लॉग बनाया था जब मैंने उनका ट्रेनिंग वाला, तो आप सभी ने बोला कि भाई मोटिवेशन मिलती है, देखते हैं दीदी का स्ट्रगल, और अब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और अभी वो अपनी ड्रीम जॉब के लिए गए हैं ट्रेनिंग पे, तो हमें देख के मोटिवेशन मिलता है। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा और मोटिवेशन दे दिया जाए, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए उनका, कि उनको ट्रेनिंग पे मतलब कैसा माहौल है उनका और कैसे ट्रेनिंग होती है, सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, तो फैमिली के साथ तो शेयर करना बनता ही है, तो इसीलिए। और शाम को आने वाले हैं दीदी, तो चलिए शाम को मिलवाती हूँ आपको उनसे, आप भी एक्साइटेड हो गए दीदी से मिलने के लिए, और मैं तो हूँ ही ओबियसली। तो चलिए शाम को मिलते हैं आपसे दीदी के आने के बाद, बने रहिए। दीदी आ गए हैं, कैसे पैक होके आए हैं। हम छुपके प्रैंक करने वाले थे लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें पहले ही देख लिया था। हम तो छुप गए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सोच रहे होगे गुड मॉर्निंग तो ठीक है, दीदी से तो मिलवा दो, थानेदारनी आ गई है मिलवाऊंगी, कब मिलवाओगे? तो चलिए मिलवाती हूँ। ये देखिए थानेदारनी तो यहाँ पे अमरूद तोड़ रही है भाई, अभी पके भी नहीं है तो भी कच्चे ही, काफी दिन हो गए ना इनको, हमने तो कच्चे पहले से ही स्टार्ट कर रखे, अभी ये भी ढूंढ रहे हैं। रात को तो फिर ये लेट हो गए थे, इसीलिए फिर मैंने इनको परेशान नहीं किया, और ये थक गए थे तो सो गए थे। मैंने सोचा चलो अभी मॉर्निंग में ही अपना शूट कर लेते, क्योंकि फिर तो ये पूरा दिन बिजी होने वाले हैं, आपके लिए आपकी जो डिमांडिंग वीडियो वो शूट करने वाले हैं, तो पहले अपनी कर लेते हैं। दी आपको कैसा लग रहा है घर पे आके? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और ट्रेनिंग पे कैसा लग रहा था? वहाँ भी अच्छा लग रहा था। वहाँ भी अच्छा लग रहा था। हाँ। तो कैसे, क्या कुछ होती थी आपकी ट्रेनिंग, शेड्यूल क्या कुछ रहता था आपका? हेक्टिक रहता है शेड्यूल, तो सुबह 6 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। okay. और 7 o'clock तक शाम तक चलता है, अराउंड 13 hours का जो शेड्यूल है वो ऑलमोस्ट बिजी रहते हैं सारा दिन, 7 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। और स्टडी कितनी करनी पड़ती है, मतलब ये होता है कि जॉब के बाद भी करनी पड़ती है, जॉब से पहले स्टडी तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, बहुत 16 पेपर है दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में स्पेशली ज्यादा करनी होती है जो अपनी पढ़ाई है, क्योंकि जो हमारा यूजुअली काम रहता है वो रहता है इन्वेस्टिगेशन का। जब हम सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो IO यूजुअली हम बनते हैं, तो IO बनने के लिए आपको IPC CRPC Law 1 Law 2 पता नहीं कितनी सारी अभी तो स्टार्ट किया है, जस्ट अभी तो क्लासेस में जाना स्टार्ट हुए हैं, अभी हमें पढ़ाना भी हो गया है स्टार्ट वगैरह, तो बुक्स वगैरह भी परचेज करनी है, अभी तो इतनी सारी 16 पेपर है, आप समझ ही सकते हो कितने सारे पेपर है, कैसे कैसे करना होगा। मतलब ये नहीं है कि भाई जॉब लगने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फ्री हो गए उसके बाद भी स्टडी जारी रहती है? हाँ स्टडी जारी रहती है, लेकिन वो बर्डन नहीं है कि लाइक अगर हम जॉब से पहले स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग पे एक बर्डन रहता है कि हाँ यू हैव टू क्रैक दिस अदरवाइज योर 1 year विल बी स्पॉइल्ड, वहां पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं है। स्टिल आपको पढ़ना तो पड़ेगा डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल आपने अगर जॉब ले लिया तो उसके बाद आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैंने सुबह उठते ही इनसे भाई चलो मेरी वीडियो शूट करवाओ पहले, क्योंकि मेरे को सुबह दिख रही है गाइस, आपको देख नहीं सकते धूप तो इतने ज्यादा, हम खेतों में रहते तो इसीलिए आ गया, वरना शहर वालों के लिए और जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो सुबह ही है अभी तक। हमारी सुबह 4:30 बजे हो जाती है, तुम्हारे लिए होगी अभी। नाउ वी आर नॉट सिविलियंस, वी आर पुलिस पुलिसमैन, तो जवान हो गए अब हम, जवान।
हमारी मैम बोलती है जवान सावधान, तो अब वो जवान हो गए हम, हमारी सुबह स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं एक अमरूद ढूंढ लूँ फिर बताती हूँ। देखो रे ऊपर मन देखा था, देखो जो मैं सही तैयार हो रहे फिर हाथ कौन जाओ रहे। फिर क्यों बता रही है बहन? वो जिसको वो लगा दांत लगा वो हाँ जो मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। अमरूद के लिए देख लो और दिख नहीं रही, वो नहीं दिख रही तो क्या है, उनको क्यों दिखाना जरूरी है। हमें उनसे बस हमने पूछना था, वो पूछ लिया और कुछ नहीं है, बस इतनी रिस्पेक्ट थी। सुन रही है वो पीछे। और बताइए कैसा क्या कुछ चल रहा है? मिलवा दिया ना दीदी से, एक्सपीरियंस बता दिया उन्होंने, काफ़ी अच्छा चल रहा है, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। और अभी वो अमरूद खा रही है, फिर वो अपनी वीडियो शूट करेगी, आज पूरा दिन बिजी है वो, और फिर कल वो चले जाएंगे। आज सैटरडे है और ये वीडियो आपको शायद मंडे तक मिलेगी, क्योंकि अभी दीदी हैं तो फिर बस उनके साथ ही टाइम निकल जाएगा एडिट करके और अपलोड, तो फिर मैं मंडे को ही करूँगी। आपको ये व्लॉग मंडे को देखने के लिए मिलेगा। तो देख लीजिए आपकी थानेदारी कैसे अमरूद के स्वाद ले रही है, कच्चे के वो भी पका हुआ है। ये हमारी बरसीन दीदी नहीं आ रहे हैं, मूली और गाजर लगाई हुई है तो उनको ही देख रहे हैं, इनको काफी शौक है इन चीजों का। मैंने लगाए थे मूली, तभी देख रहे हो आप कैसी ग्रोथ चल रही है इनकी, बड़े बड़े हो गए हैं। पालक भी हो गई है गाइस, किसी को चाहिए तो बता देना। पूरी इसके अंदर लगाई हुई है, कनाल के अंदर, और दीदी इनका निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण फुल लिंदी। वो देखो पक्षी, खेतों में रहने का यही मजा है भाई। हम सुबह सुबह वहां जाते हैं ना, फॉल इन होते हैं परेड के लिए, तो ऐसे सामने से सूरज निकलता है बिल्कुल लाल लाल दिखता है, और बहुत सारे वो आते हैं पक्षी आते हैं सुबह सुबह, बिल्कुल बहुत अच्छा एक व्यू होता है, रेड रेड दिखता है जब सूरज उग रहा होता है और पक्षी उड़ रहे होते हैं सुबह सुबह। जल्दी उठने के फायदे हैं, ये जो नहीं उठते उनको नहीं पता होगा, हमने भी अभी फायदे उठाओ भाई, अभी से स्टार्ट कर दो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको आगे फिर हैबिट हो जाएगी। वरना जो मतलब बच्चे पहले नहीं करते होते फिर वहां पे जाके प्रॉब्लम होती है, दी को तो पहले से ही हैबिट थी अपने, तो इनको इतना ज्यादा नहीं हुआ। जब सिर पे डंडा आएगा उठ जाओगे अपने आप, मजे लो मजे लो भाई जिंदगी के। ये देख लो भाई हमारी कल्लो जुगाड़ी कर रही है यहाँ पे, और ये हमारे खेत हरे भरे तो नहीं है, बरसीन बरसीन हरी है बस, क्योंकि गेहूं की बिजाई की हुई है तो इसीलिए हरे भरे नहीं है अभी। और ये हमारी बेरी है साइड में, एंड ये हाँ हमारे अमरूद जिनको हम कच्चे ही चबा जाते हैं, देख सकते हो आप गौर से। और ये यहाँ पे मैडम साहिबा धूप सेक रही हैं, किट्टो महारानी देखो कैसे घूर रही है, गंदी बच्ची। बाय बाय जा रही हूँ मैं, बाय, मैं नहीं बात कर रही तेरे से, बाय बाय बाय। धुआं आ रहा है। फ्रेंड्स अभी हम बना रहे हैं आलू के पराठे चूल्हे के ऊपर, ये देखो इसका बैटर तैयार कर लिया है हमने, और ये मैंने वोट डाला था उसकी सेंई लगी अभी तक कुछ नहीं कुछ। और ये देखो चूल्हे के ऊपर पहले रोटियां बना रही मम्मी, फिर उसके बाद पराठे बनाएंगे, रोटी और पराठे भी, जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा और जिसको पराठे खाने हैं और ये सारे पराठे मैं ही खाने वाली हूं, आलू के पराठे और साथ में दही और कुछ। आप तो सारा टाइम चटपटी चीजें ही खाते रहते हो, अभी बना लेते हैं जल्दी से गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। बन रहा है हम लगा रहे हैं
बस भाई इतना मत लगा, ये सारा वो ही हो जाएगा। नहीं पूरा घी लगा के बनाएंगे, उठ जाएगा इसके अंदर। नहीं बनाएंगे इसकी दही फुला के। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। अब जल्दी से इसको मेरी प्लेट पे रख दो और फिर मैं खा लेती हूँ और फिर मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। आप बनाते रहना या बनवाने हैं मेरे को भी? नहीं बस चल देखो, हो गया पूरी तरह से ब्राउन। बस अभी उतार दो इसको गर्म, तो जल जाएगा। ये देखो पराठा ले लिया है और साथ में अचार है, लस्सी है और चटनी है। ये आलू की चटनी है और आलू के पराठे हैं। और मैं अब यहाँ पे धूप में बैठ के करती हूँ इंजॉय आलू के पराठे। दीदी अंदर वीडियो बना रहे तो फिर इसीलिए, वरना वो भी मेरे साथ में ही खाते। चलिए मैं अपने पराठे इंजॉय कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट बोल सकते हो, ब्रंच टाइम बोल सकते हो, जो भी। और फिर मिलते हैं आपसे। बाय 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 दीदी, निकलो यहाँ से, दफा हो। और आज रोने वाले नहीं हैं हम, एक भी आंसू नहीं निकालेंगे। जाओ निकलो निकलो, बाय बाय, फिर आ जाना जल्दी, बाय बाय। मोनिका दीदी को बोल दिया है गाइस बाय हमने, एंड इनको छोड़ने के लिए गए हैं मम्मी पापा और वो गए हैं। और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उनके साथ ही मस्ती करने लगे थे, तो फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं व्लॉग भी बना लूँ, आप लोग भी देख रहे हो, सॉरी। लेकिन आज मैंने दिखा दिया। आज मेरे को ना तब वो जाने लगे ना, तो भाई बना रहा था उनकी वीडियो, बोला कि कैप्चर मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं। मेरे साथ बहुत बार होता है, उल्टा बोल देती हूँ, तो मोमेंट कैप्चर कर लेते। फिर मेरे को ध्यान आया यार मेरे को भी व्लॉग बनाना था, फिर मैंने भाग्य उठाया कैमरा। तो लेकिन मैंने आपको दिखाया, अब उनसे मिलवाऊंगी आपको, बातें सब शेयर करेंगे, वो तो मैंने किया है ना। और आज अब उनको विदा कर दिया है, बाय बाय बोल दिया, दफा कर दिया है। बाद में अब लोग देखेंगे तब देखेंगे। क्या बोल रही थी मेरे को, दफा हो फिर बनाएंगे मेरे को, कोई नहीं, चलता है, भाई बहनों में मस्ती है ना। एंड और क्या था, और तो बस यही था। अगर आपको कुछ पूछना हो, मेरे से पूछना हो, मोनिका दी से पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, हम रिप्लाई कर देंगे। एंड आपको कैसा लगा व्लॉग ये भी बता देना। एंड यही था आज के व्लॉग में, क्योंकि आज संडे है और फिर कल मेरे को व्लॉग अपलोड करना है। अब मोनिका दी चले गए, अब आराम से बैठ के एडिट करूंगी अपना, एंड फिर कल अपलोड कर दूंगी। व्लॉग अच्छा लगा तो आपको तो पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें कर दो। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।